नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो है यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है आपकी डिप्टी मैनेजर का, जो कि आपका ये सिविल इंजीनियर के लिए निकाली गई है। तो देखिए, आप लोग जो है इसमें देख सकते हैं पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी है इसमें, जो कि आपका ये डिप्टी मैनेजर टेक्निकल का है, तो ये देखिए टोटल वैकेंसी जो आपका इसमें 41 है आपका। और ये जो है गेट का 2021 का जो स्कोर कार्ड है, तो उसके बेसिस पे ये सिलेक्शन जो है आपका किया जाएगा इसमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिगार्डिंग, देखिए यहाँ पे डिटेल जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, और जो है ये किस बेसिस पे आपका होगा सिलेक्शन। तो इसमें देखिए जो आपका है इसमें, आप देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं, तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो आपका जो है सिविल में होना चाहिए डिग्री, आपका होना चाहिए बी बी टेक होना चाहिए आपका, और एज लिमिट देखिए 30 ईयर से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। और जो ये रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया इसका है, तो वो है आपका दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर कार्ड। गेट स्कोर कार्ड 2021 का यहाँ पे वैलिड आपका होगा, और वो भी सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में आपका होना चाहिए। और अपर एज लिमिट जो है ये रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जो कैंडिडेट मतलब वो भी ST/ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपका इसमें देखिए दिया आपका यहाँ पे, तो वो है आपका यहाँ पे डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। और एक यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे ये भी करके दिया हुआ है कि जो कैंडिडेट अपियरिंग है, अपियरिंग हो रहे हैं फाइनल सेमेस्टर में, फाइनल ईयर में है, जो सिविल में कर रहे हैं अभी, तो वो भी जो है अप्लाई इसको कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये दिया आपका यहाँ पे एलिजिबल टू अप्लाई है, मतलब आप कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन देखिए ये दिया हुआ है कि जो फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है आपका डिग्री का, यूनिवर्सिटी या जहाँ से भी आप कर रहे हैं यहाँ पर आपका, तो ये जैसे कि आपको ये प्रोड्यूस करना होगा आपको यहाँ पे, मतलब कि ये जो है डेट दिया हुआ है कि 31 दिसंबर से पहले तक का, मतलब कि 2021 का जो 31 दिसंबर होगा, तो तब तक आपका रिजल्ट ये आ जाना चाहिए। तो ये दिया हुआ है कि बिफोर 31 दिसंबर तक का, इसके बाद जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा आपका यहाँ पे। तो अभी कोरोना के चलते रिलीफ दे दी गई है यहाँ पे कि अगर आप लोग फाइनल ईयर में है, फाइनल सेमेस्टर में है, तो आप लोग अप्लाई इसको कर सकते हैं यहाँ पे, बशर्ते कि आपका जो है 31 दिसंबर 2021 से पहले, यानी कि इस दिन तक भी जो है आपका आ जाना चाहिए पूरा, मतलब फाइनल रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए, और जो भी सर्टिफिकेट इनसे रिलेटेड होंगे तो वो सब चीज़ हो जाना चाहिए, तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी पास आउट है तो वो तो अप्लाई इसको कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। और ये चीज़ आपका इसमें देखिए दिया हुआ है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपका इसमें सिविल है आपका यहाँ पर, और जो एज क्राइटेरिया है वो आपका है 30 ईयर्स का रखी गई है इसमें। और बाकी जो OBC ST SC कैंडिडेट है, तो उनको जैसे कि मिलता ही है 5 ईयर ST SC का, और OBC का 3 ईयर्स का है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, उसके लिए सर्टिफिकेट भी आपको जो है लाने होंगे, तो ये भी आप लोग देख लेना है यहाँ पर। और भी देखिए जो भी प्रोसेस है आपका सिलेक्शन प्रोसेस का, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस आपका ये टोटली है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड गेट स्कोर 2021 में, जो अपने स्कोर कार्ड जो भी आपने स्कोर किया होगा सिविल इंजीनियरिंग में ही केवल, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब यही क्राइटेरिया आपकी रखी गई है सिलेक्शन प्रोसीजर का। और इसी के बेसिस पे जो है आपका फिर एक कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा, और उनको फिर इनवाइट किया जाएगा कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू भी आपका देखिए यहाँ पे होगा, और कट ऑफ जो भी रेस्पेक्टिव कैटेगरी के होंगे, मतलब जो आपका वो ST OC OBC और जनरल, तो उन सभी का अलग अलग से डिसाइड किए जाएंगे आपके। तो पहले आपका गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे पहले स्क्रूटनी किया जाएगा कैंडिडेट का, फिर इंटरव्यू इनका लिया जाएगा, और इसके बाद जो है आपका पूरा सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है आपका सिलेक्शन जो प्रोसीजर आपका है, और आपको जो है ऑनलाइन ही आपको भरना है फॉर्म को, जो कि आपका ये एप्लीकेशन अवेलेबल है आपका, ये आप लोग कोई भी ब्राउजर से खोल के इसको आप फिल कर सकते हैं यहाँ पे। तो सारा प्रोसीजर दिया हुआ है, और देखिए इसका जो लास्ट डेट है आपको फॉर्म को सबमिट करने का, तो ये है आपका 28/5/2021। तो आप लोग 28 मई तक भर सकते हैं इसको, ये दिया हुआ है इतना डेट तक आपका दिया हुआ है, तो आप लोग इसको पहले ही फिल कर देना। तो ये चीज़ दिया हुआ है इसमें आपका, और भी देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो दिया था, तो ये हमने आपको पूरा बता दिया है। और भी कोई डाउट रहता है आपका इससे रिलेटेड, तो आपको कमेंट करना, हम इसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे।